आप सबको गोपाला जी का नमन। सौभाग्य से हमारे साथ महंत कौशिक जी हैं, बहुत सज्जन, बहुत नेक इंसान, और इनके गुण अगर मैं बताऊंगा आपको तो आप अप्रिशिएट करेंगे। सादगी के प्रतीक हैं बिल्कुल। सारा जीवन इन्होंने आयुर्वेद में, जड़ी बूटियों में अपना जीवन इन्होंने लगाया, और रिसर्च टाइप की चीज़ें दी इन्होंने, जो भी चीज़ें दी हैं। अब मैं इनसे एक प्रश्न कर रहा हूँ अमृत धारा को लेके। देखिए, अमृत धारा इसलिए कि इतनी इम्पॉर्टेंट ये मेडिसिन है पेट संबंधी बीमारियों के लिए, मगर क्या है कि ये बाज़ार में लेने जाएंगे तो बहुत कॉस्टली है। मैंने इनसे पूछा तो हंसने लगे, इन्होंने बताया कि ये तो बहुत ही सस्ते मिलती है बाज़ार में, जो हम ये बनाएंगे और जो बाज़ार में उसकी कॉस्ट है कम से कम 10 गुना ज़्यादा होगी। मैं महन जी से रिक्वेस्ट करूँगा, हमें बताएंगे आप कि ये कैसे बनाते हैं, आप क्या तरीका है इसका बनाना। बहुत सरल विधि है, इसमें पढ़ा लिखा होना ना पढ़ा लिखा होना कोई मतलब नहीं है। पंसारी के यहाँ 3 घटक बिकता है, सत अजवाइन, खाने वाला कपूर और पिपरामेंट मेंथाल, तीनों बराबर मात्रा में होना चाहिए। इसको शीशी में तीनों मिला के रख दीजिए, हाथों हाथ हो पानी बनने लगेगा, इस हाथों हाथ ये दवा तैयार होता है। अच्छा, मतलब 2-4 मिनट में ही बन जाएगी? 2-4 मिनट में बन जाएगा। अच्छा, और ये इतनी गुणकारी दवा है, बच्चा बूढ़ा जवान किसी के पेट में दर्द हो रहा हो, वहाँ पर कोई डॉक्टर ना हो, तो इसका 2 बूंद दवा बड़े लोगों को 1/2 कप पानी में, बच्चे हैं तो 1 बूंद काफ़ी है। उल्टी, दस्त, पेट में कीड़ा, पेट में ऐठन, मरोड़, पेट का फूलना, पेट का ज़्यादा चर्बी हो जाना, इस सब में ही लाभ देता है। इसका बनाना बिल्कुल सरल है, मात्रा तीनों घटक का बराबर होना चाहिए। जी जी। अच्छा, एक बात ये बताइए, ये कितने समय तक, एक बार बना लिए कितने समय तक? एक जिंदगी भर कभी खराब नहीं होता जी, लेकिन उड़ने वाला दवा है। हाँ, अगर टाइट डॉट नहीं होगा तो दवा उड़ जाएगी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे जो बहुत ही न्यूली बॉर्न बेबी हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, हाँ, वो रात में रोने लगते हैं पेट की दर्द की शिकायत की वजह से, उसमें रामबाण काम करता है। तो छोटे छोटे बच्चे को दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। कितने, एक बूंद से ज़्यादा नहीं। कितना ही छोटा बच्चा हो? कितना भी छोटा बच्चा हो, महीने, 2 महीने का, महीने, 2 महीने, 6 महीने से छोटा अगर कोई बच्चा है तो उनको हींग घोल के लगाना चाहिए नाभि में। नाभि में हींग लगा, हींग लगा देना चाहिए। हींग ही जरा सा घिस पानी में घोल के जरा सा चावल के दाने के बराबर चटा दें। मतलब छोटे बच्चे को अमृत धारा नहीं देना? नहीं देना, 6 महीने से छोटे बच्चे को। 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए? हाँ, उनके लिए है। बहुत बहुत। 6 महीने से छोटा बच्चा बढ़िया हींग घोलें, नाभि में लगाएं, नाभि में रखें, जरा सा जीभ पर चटा दें, तुरंत बाईपास हो जाएगा, बच्चा रोना बंद कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हींग जो है पेट के कीड़े को भी मारता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग देखते रहिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस। देखिए कितना सरल तरीका बता दिया घर में बनाने के लिए अमृत धारा। हम बाहर ढूंढते रहते हैं, महंगा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बाजार में घर के बनाने से कम 20 गुना महंगा मिलेगा। और प्योर चीज़, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ ना, बिल्कुल प्योर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप लोग गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और लोगों को एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल आता है इसमें ज़रूर क्लिक कर दीजिए, आपको रेगुलरली हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़ के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महन जी। धन्यवाद सर।